मूवी की शुरुआत एक बड़े से पेड़ वाले एक द्वीप से होती है, जो चींटियों की एक बुद्धिमान रानी और उनकी सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी अट्टा द्वारा शासित है। हालांकि अट्टा अपनी जिम्मेदारियों से बहुत डरपोक और घबराई हुई होती है, क्योंकि उन्हें टिड्डों के लिए जल्दी से भोजन इकट्ठा करना है। टिड्डे साल में एक बार आते हैं और माना जाता है कि यह बड़े कीड़ों से उनके सुरक्षा के बदले उनसे भोजन की मांग करते हैं। हालांकि जब रानी अट्टा अपनी माँ और भाई डॉट से बात कर रही होती है, तभी फ्लिक नाम का एक चींटी अपने नए मशीन से डाली काटकर रानी अट्टा के ऊपर गिराता है, और जिससे उसके सहायक फ्लिक और उसके आविष्कार को बेकार बताकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे फ्लिक नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर डॉट उसे रोककर फ्लिक को उसका दूरबीन वापस करता है, जबकि फ्लिक डॉट को दूरबीन रखने के लिए कहकर एक पत्थर के टुकड़े के जरिए अपने नए आविष्कार के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी टिड्डों की आने की खबर आती है, जिससे सभी डरकर वापस अपने बिल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच फ्लिक अपने मशीन से जमा की गई सभी अनाज को पानी में डुबोकर नष्ट कर देता है, और जिसकी वजह से टिड्डों को अनाज नहीं मिल पाता है। इसलिए टिड्डों का राजा हूपर चींटियों के बिल में घुसकर रानी अट्टा के साथ सभी चींटियों पर गुस्सा होता है, और उन्हें ठंड के मौसम के आने से पहले उन्हें दुगुनी अनाज इकट्ठा करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद फ्लिक चींटी रानी अट्टा के सामने टिड्डों से लड़ने के लिए उन्हें योद्धा कीड़ों की भर्ती करने की योजना का प्रस्ताव रखता है, और बहुत विचार करने के बाद रानी अट्टा और परिषद फ्लिक के प्रस्ताव से सहमत होते हैं। फिर फ्लिक टिड्डों को हराने के लिए योद्धाओं की तलाश में एक कीड़ों की शहर पर आता है, जहां कीड़ों का एक दल एक पिस्सू पीटी के नेतृत्व में एक सर्कस में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन सर्कस काफी बोरिंग होती है, इसलिए ज्यादातर दर्शक उनका मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगते ही है कि तभी पीटी कीड़ा फ्लेमिंग डेथ नाम का एक नए सर्कस की घोषणा करता है। हालांकि सर्कस इतना मजेदार होता है कि सभी वापस से रुककर सर्कस का बड़े मजे से आनंद लेने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ गड़बड़ी के कारण पीटी कीड़ा जल जाता है, और जिससे सर्कस रुक जाता है, और फिर सर्कस में काम करने वाले लोग कीड़े के एक बग बार में आकर अपना शो करने लगते हैं, और इसी बीच फ्लिक उनके सर्कस को देखते हुए उन्हें योद्धा समझकर अपने साथ चींटियों के द्वीप में आकर टिड्डों से लड़ने के लिए विनती करता है। हालांकि उस शहर में उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वे फ्लिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फ्लिक उन कीड़ों के साथ अपने झुंड के पास आता है, लेकिन उनके आते ही सभी उन्हें टिड्डे समझकर छिपने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लिक को साथ देखकर सभी बाहर निकल जाते हैं, और फिर उन्हें देख रानी अट्टा और उसकी बूढ़ी माँ भी यह सोचकर हैरान रह जाती है कि आखिर फ्लिक इन कीड़ों को आने के लिए कैसे मना पाया। फिर फ्लिक सभी के सामने एक एक करके उनका परिचय कराता है। फिर चींटियों का झुंड कीड़ों के सम्मान के लिए एक पार्टी आयोजित करती है, जहां छोटे छोटे चींटियां अपने पेंटिंग से योद्धाओं को टिड्डियों से लड़ते हुए दिखाकर एक मजेदार नाटक का प्रदर्शन करती है। फिर इसी बीच रानी अट्टा फ्लिक को उन योद्धाओं को लाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। लेकिन इसी बीच रोजी मकड़ी फ्लिक के कानों में फुसफुसाते हुए बताती है कि वे वास्तव में सर्कस के कीड़े हैं। फिर यह सुन फ्लिक भयभीत होकर तुरंत वहां से बहाने बनाकर साइड में आता है, और उन कीड़ों को मनाने की कोशिश करता है कि वे योद्धा है। लेकिन सर्कस के कीड़े उनके बातों को टालकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक रानी अट्टा को देख फ्लिक रानी के सामने नाटक करता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर फ्लिक रानी के बातों को इग्नोर करते हुए वह सर्कस के कीड़ों के पास जाता है, लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक मुसीबत आ जाती है, और उस मुसीबत में राजकुमारी अट्टा का छोटा भाई डॉट फंस जाता है। लेकिन फिर यह देख सर्कस के कीड़े राजकुमारी के भाई को बच्चा तो लेते हैं, लेकिन बचाने की वजह से लेडी बग कीड़ा घायल हो जाता है। हालांकि सर्कस के कीड़े चींटियों का विश्वास हासिल करते हुए वे योद्धा होने का ढोंग जारी रखते हैं। फिर पक्षी मुठभेड़ फ्लिक को टिड्डियों के नेता हूपर को डराने के लिए एक कृत्रिम पक्षी बनाने के लिए प्रेरित करती है। पक्षी का निर्माण छड़ियों और पत्तियों से किया जाता है,
लेकिन फिर एक दिन अचानक सर्कस के कीड़े और उनके पूर्व रिंग मास्टर पीटी पिस्सू जब उन कीड़ों को खोजता हुआ चींटियों के कॉलोनी में आता है, तो चींटियों को पता चलता है कि वे कोई योद्धा नहीं है। और फिर रानी अट्टा फ्लिक को धोखेबाज कहकर उसे नाराज होते हुए अपने दल से सर्कस के कीड़े के साथ निकाल देती है, और फिर वे टिड्डों के लिए भोजन इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। फिर अगले दिन टिड्डे चींटियों की कॉलोनी पर खाना लेने पहुंचते हैं, और जब उन्हें खाना काफी कम मिलता है तो वे सभी को बंदी बना लेते हैं। जबकि छोटे चींटियों में से राजकुमारी अट्टा का भाई डॉट किसी तरह से बचते हुए अपने नए पंखों से उड़कर फ्लिक के पास पहुंचता है और उसे सारी जानकारी देकर वापस लौटने और कॉलोनी को बचाने के लिए मना लेता है। फिर सर्कस के कीड़े अपने रिंगमास्टर पीटी पिस्सू को अपने प्लान में शामिल कर वे वापस चींटियों की कॉलोनी पर जाते हैं, और फिर वे टिड्डों को किसी तरह से उलझाकर एक पक्षी का पुतला बनाकर टिड्डों को डराने की कोशिश करने लगते हैं। योजना लगभग काम करती है, लेकिन इसी बीच पीटी पिस्सू कृत्रिम पक्षी पर आग लगा देता है और फिर उस नकली पक्षी का राज टिड्डों के राजा हूपर को मालूम पड़ जाता है, और जिससे हूपर गुस्से में आकर सभी के सामने फ्लिक को पीटने लगता है। हालांकि मार खाने के बावजूद फ्लिक हूपर की अवहेलना करता है और पूरी कॉलोनी और योद्धाओं को टिड्डियों के खिलाफ खड़े होने और उन्हें कॉलोनी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सभी फ्लिक के बातों से प्रभावित होकर हूपर पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। पानी की बूंदें चींटियों के लिए एक बड़े बम की तरह होती है, जिसकी वजह से वह सभी इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि तभी हूपर शातिर तरीके से फ्लिक का पीछा करता है, लेकिन फ्लिक चालाकी से बचते हुए हूपर को इस बार उस जीवित चिड़िया के घोंसले तक ले जाता है, जहां हूपर असली पक्षी को एक नकली पक्षी समझने की गलती करता है और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे ताना मारता ही है कि टिड्डे को चिड़िया और उसके बच्चे खा जाते हैं। फिर अगले दिन फ्लिक का कॉलोनी में वापस स्वागत किया जाता है, और वह और अट्टा अब एक साथ होते हैं। फिर अट्टा को नई रानी का ताज पहनाया जाता है, जबकि डॉट को राजकुमारी का ताज मिलता है। और फिर यह सब होने के बाद सर्कस के कीड़े भी अपने शहर चले जाते हैं, और इस तरह से यह मूवी भी समाप्त होती है।